बच्चों आपका एक डाउट था, मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में एक जने का डाउट आया है। देखो 1 - 9y / 90 - 3y = 5/8, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बताया ऐसे सम्स में क्या करने का, क्रॉस करने का, इसको इधर ले जाने का और इसको इधर लेके आने का, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, 1 - 9y, इसके पास 8 आएगा, ठीक है। 8 इस साइड नहीं, इस साइड लाओ, मतलब इस साइड लिखो, इक्वल टू 5 है, इसके पास 19 - 3y आएगा, 19 - 3y, ठीक है। तो देयर फोर ब्रैकेट खोलो, बोर्ड मास का रूल है, ब्रैकेट ओपन, 8 बन जा 8 माइनस 8 9 जा 72y इज इक्वल टू 519 जा, 19 5 जा करो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 6 7 8 9 95, माइनस 5 3 जा 15y, ठीक है। देयर फोर नंबर नंबर एक साइड वाई वाई वाले एक साइड, ठीक है। तो नंबर जैसे नंबर है 95 इधर लेके आओ और ये से -72y उधर ले जाओ, ठीक है। तो 8, ठीक है, 95 इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, -95 इज इक्वल टू -72y, इधर आएगा तो 72y, ठीक है। 95 इधर गया तो -95, -72y तो इधर 72y, इधर -15y है ही ऑलरेडी, -15y, ठीक है। देखो 8 यहाँ का यही बैठा था, 8 यहीं का यही था, 95 इधर आया तो -95, -72y आया तो इधर 72y, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस करो, देयर फोर देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 95 में से 8 माइनस करो आप, 95 में से 8 माइनस करो, ठीक है। तो 15 में से 8 गए 7 और 8 का 8 नीचे उतारा, ठीक है, तो 87 बचा। और साइन किसकी आएगी, बड़े की, ठीक है। तो -87 इज इक्वल टू 72y में से 15y को माइनस करो, तो 72 में से 15 गए तो 2, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 1 गए 5, ठीक है, तो 57। ठीक है, अब देखो y को अकेला बनाओ, y को अकेला बनाओगे, ये रहा y, y के साथ 57 है, उसको अपॉन में लेके आओ, तो -87/57 इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा अभी कट शॉर्ट होता है तो करो कट शॉर्ट, नीचे ऊपर कट शॉर्ट, 3 की टेबल लगाओ, पहले 3 की लगेगी, देखो पीछे 77 है, 3 की लगेगी, ठीक है। देखो 3 की टेबल में 5 आता है नहीं, 3 1 जा 3, 2 बचे, ठीक है, 3 1 जा 3 किया, 2 बचे, तो ये 2 इधर लगा, तो 3 9 जा 27, फिर से ऊपर करो, 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचे, फिर से 3 9 जा 27, ठीक है। तो आंसर क्या है, -29/19, ऊपर नीचे 3 की टेबल लगी, मतलब तो देयर फोर y इज इक्वल टू -29/19, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे आरडी शर्मा में पेज 9.17 में 9th नंबर y - 7 - 8y / 9y - 3 + 4y = 2/3, देखो यहाँ पे भी दोनों साइड अपॉन है, मतलब दोनों साइड फ्रैक्शन है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था भाई, ये इधर जाएगा ये इधर, पर आप ध्यान से देखो यहाँ ब्रैकेट्स भी हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स भी हैं, तो आपको ब्रैकेट्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो कैसे करोगे, देयर फोर वाई माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, तो वाई -7 + 8y /
फिर से 9y है माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब आप सॉल्व करो इसे। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट थी उसको ओपन किया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब आप y के साथ 8y, ठीक है दोनों सेम है ना, y के आगे कुछ भी मतलब 1 हुआ, तो 1y प्लस 8y कितना हुआ, 1y प्लस 8y 9y होगा। ठीक है, 1y प्लस 8y 9y हुआ, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 1y प्लस 8y 9y माइनस 7, तो देयर फोर 9y माइनस 7 अपॉन 9y माइनस 4y। ठीक है, 9y माइनस 4y, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे, 5y बचेंगे, 5y और माइनस 3। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 5y, माइनस 3 तो था ही, 9y में से 4y किया तो प्लस 5y बचा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको फिर से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा। ठीक है, तो देयर फोर 3 मल्टीप्लाई 9y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 5y माइनस 3 प्लस 5y। ठीक है, अच्छा अब करो उसको सॉल्व। देयर फोर 3 9 जा 27y माइनस 3 7 जा 21। ठीक है, 3 9 जा 27 बाय 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ठीक है, माइनस की साइन, 2 3 जा 6 2 5 जा 10y। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10y। ठीक है, अच्छा फिर से आप अभी फिर से नंबर नंबर इकट्ठे करो और y y इकट्ठे करो। ठीक है, तो y का एक साइड कर दो, देयर फोर 27y। ठीक है, ये प्लस 10y इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस 10y। ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6 है, माइनस 21 इधर आएगा तो प्लस 21। ठीक है, 27y में से 10y गया तो कितना बचा, 20 और 27 का 17y बचा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 21 में से 6 गया तो कितने बचे, 15। ठीक है, तो देयर फोर y इज इक्वल टू 15/17। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ी, फिर तो जैसे करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे किया। मैं फिर से बोल रही हूँ, माइनस प्लस का खास ध्यान देना, माइनस प्लस की बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की। ठीक है, खास ध्यान देना बच्चों। अभी देखो 6/2x माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 2/3, तो देयर फोर 6/ ब्रैकेट यहाँ ओपन करो, 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 2/3। देयर फोर 6/ देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन की, माइनस माइनस प्लस किया। ठीक है, 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x कितना होता है, 4 प्लस 2 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, फिर से 3 ऊपर ले जाओ इधर और 2 ले जाओ इधर। ठीक है, तो 3 आ जाएगा 6 के पास और 2 आएगा 2x 2 6x माइनस 3। ठीक है, 3 इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 2 को इसके साथ भी करो, 2 को इसके साथ भी करो, 2 6 जा 12x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो देयर फोर ये माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 होगा। ठीक है, तो 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 12x। ठीक है, माइनस 6 इधर तो प्लस 6, तो देयर फोर
18 + 6 कितना होगा 18, 19, 20, 24 होगा ठीक है 24 = 12x ठीक है तो therefore 24/12 = x ठीक है 24/12 = x कट शॉर्ट करो 12 की टेबल में 12 1 जा 12 2 जा ठीक है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 therefore x इज इक्वल टू 2 ठीक है तो ये आपका 10th नंबर हुआ ठीक है तो 10th नंबर में सिंपल ही था ब्रैकेट ओपन करनी थी ब्रैकेट ओपन की एक्स एक्स इकट्ठे किए फिर बस सॉल्व किया सिंपल ही सम है एक बार ये आपको ट्रिक पता लग जाए ना प्लस माइनस की नॉलेज आ जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है ऐसे सम्स में बच्चों अभी देखो 11th नंबर 2/3x - 3/2x = 1/12 देखो सबके नीचे अपॉन है इसके नीचे भी अपॉन है इसके नीचे भी इसके नीचे भी अपॉन तो एलसीएम निकालो 3x 2x और 12 का एलसीएम निकालो कैसे निकालोगे और 3 की टेबल में देखो 3 1 जा पहले 2 से लगाते हैं ठीक है 2 से 2 3 का 3 2 1 जा 2 6 जा ठीक है फिर से 2 3 ये सेम 2 3 जा ठीक है फिर से 3 1 जा 3 1 जा ठीक है फिर लास्ट में क्या बचेगा x ठीक है x 1 जा ठीक है तो एलसीएम क्या आया एलसीएम 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12x ठीक है 12x एलसीएम आया कैसे एलसीएम निकाला तो देखो 3x 2x और 12 का ठीक है तो 2 की टेबल 2 1 जा 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3 1 जा 1 जा और फिर x की टेबल ठीक है तो 2 2 जा 4 3 जा 12x ठीक है 12x थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो ठीक है थ्रू आउट एलसीएम क्या आया आपका 12x 12x से मल्टीप्लाई करो सारा ठीक है तो देयरफॉर 12x / 2/3x - 12x / 3/2x = 12x / 1/12 ठीक है फिर से कट शॉर्ट करो कट शॉर्ट कैसे करोगे देखो x x कैंसिल 3 1 जा 3 4 जा ठीक है क्या आएगा 4 2 जा 8 ठीक है 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे भी कट शॉर्ट करो ठीक है x x कैंसिल 2 1 जा 2 6 जा ठीक है 6 3 जा 18 ठीक है इज इक्वल टू 12 1 जा 12 1 जा तो क्या बचा ओनली x बचा ठीक है x तो देयरफॉर प्लस माइनस माइनस 18 में से 8 गए 10 बचे ठीक है 18 में से 8 गए 10 बचे साइन बढ़ेगी ठीक है 18 बढ़ा है तो साइन बढ़ेगी इज इक्वल टू x ठीक है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 ठीक है x इज इक्वल टू माइनस 10 बच्चों अभी 12th नंबर देखो 3x + 5/4x + 2 = 3x + 4/4x + 7 कैसे करेंगे तो देखो इसको इसके पास ले जाए और इसको इसके पास ले जाओ ठीक है तो देयरफॉर 3x + 5 ब्रैकेट में 3x + 5 4x + 7 ठीक है 4x + 7 = 3x + 4 4x + 2 ठीक है क्या करेंगे हम देखो ये 4x + 7 इधर जाएगा 3x + 5 के साथ और 3x + 4 के साथ 4x + 2 आएगा ठीक है अच्छा आप सॉल्व करो इसको therefore 3x देखो 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे और 5 को पूरी ब्रैकेट के साथ ठीक है तो 3x 4x + 7 + 5
फोर एक्स प्लस सेवन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ करो प्लस 5 को पूरी ब्रैकेट के साथ करो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स हैं, 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ करो प्लस 4 को, प्लस 4 को पूरी ब्रैकेट के साथ करो, ठीक है। क्या करोगे, ये 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ और 5 को पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ और 4 को पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो, देयरफॉर 3x 4x जा 3 4 जा 12 xx जा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 7 जा 21 और x, ठीक है, 3x 4x का 3 4 जा 12 xx जा x स्क्वायर, 3x 7 जा, ठीक है, 3 7 जा 21 और x, ठीक है, प्लस 5 4 जा 5 4 जा 20x, ठीक है, 5 4 जा 20x, 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 x x जा x स्क्वायर, ठीक है, 3x मल्टीप्लाई 4x, 3 4 जा 12 x x जा x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 2 जा 6 और x, ठीक है, 3x 2 जा 6x प्लस 4 4 जा 16x, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4x, 4 4 जा 16x, 4 2 जा 8, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब आप इकट्ठे करें सारे, यहाँ देखो मैं क्या करती हूँ, सारे x स्क्वायर और x x साइड इकट्ठे कर लेती हूँ, अच्छा पहले जितना सॉल्व होता है उतना पक कर लेती हूँ, ठीक है, तो देयर फोर 12x स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 21x प्लस 20, 21x प्लस 20 कितना होगा, 21 और 20 कितना होगा 41x, ठीक है, 21 और 20 41x प्लस 35 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर 6x प्लस 16x, 6 और 16 कितना होगा, 6 और 16, 16 और 6 20, 22x, ठीक है, 22x प्लस 22x प्लस 8, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से अब आप सारे x x वाले इकट्ठे करो और नंबर नंबर वाले इकट्ठे करो, ठीक है, तो देयरफॉर 12x स्क्वायर प्लस 41x, ठीक है, ये 12x स्क्वायर इधर ले आओ तो माइनस 12x स्क्वायर हुआ, ठीक है, फिर 22x इधर ले आओ तो माइनस 22x हुआ इज इक्वल टू ये 8, ठीक है, और 35 इधर लेके आओ तो माइनस 35, ठीक है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 41x तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर इधर ले आए, माइनस 22x इधर है और 8 माइनस 35, ठीक है। अच्छा अब कट शॉर्ट करो, जो जो कटता है वो काटो, तो देखो 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 12 एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। अब देखो 41x में से 22x माइनस करो, 41x में से 22x माइनस करो, 41x माइनस 22x, ठीक है, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 19x हुआ, ठीक है, तो देयरफॉर 19x, देयरफॉर 19x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 35 में से 8 जाएंगे तो 35 में से 8 जाएंगे तो 15 में से 8 गए 7 और 2, ठीक है, 27 माइनस 27 होगा माइनस 27, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 19, ठीक है।
कैसे किया हमने, पहले जैसे सीखा है वैसे ही किया भाई, इसको इसके पास ले गए, इसको इसके पास ले गए, फिर एक नंबर को पूरी ब्रैकेट के साथ, दूसरे नंबर को पूरी ब्रैकेट के साथ, सेम इधर इसको पूरी ब्रैकेट के साथ, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। सारा सॉल्व किया, जो कटता है वो काटा, देखो फिर फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों अभी देखो यहाँ पे 19th नंबर है, 15 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स माइनस 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 10। तो बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करो तो देयर फोर देखो 15 टू जा 30, 15x जा 15x, ठीक है, माइनस 5x जा 5x, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 5 6 जा 30, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3x, ठीक है, 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या किया हमने, सॉल्व कर रहे हैं, 15 टू जा 15x जा 5x जा 5 6 जा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन की और देखो ब्रैकेट माइनस हो ना ब्रैकेट के बाद, तो ऑटोमेटिक साइन बदलती है, माइनस प्लस माइनस आया, ठीक है। अच्छा आप सॉल्व करो तो देखो ये है प्लस 30 और ये है माइनस 30, तो प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, ठीक है, तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 15x प्लस 5x कितने होंगे 20x, और साइन बढ़ेगी माइनस 20x, ठीक है, 15x प्लस 5 माइनस 20x अपॉन 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 10, ठीक है, 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 10। अच्छा अब क्या करोगे, ये जो डिवाइड में है उसको सामने ले जाओ ऊपर, ठीक है, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो देयर फोर माइनस 20x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 1 माइनस 3x, ठीक है, देयर फोर माइनस 20x इज इक्वल टू 10 वन जा 10 माइनस 10 थ्री जा 30x, ठीक है, 10 वन जा 10 10 थ्री जा 30x, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर से आप xx इकट्ठा करो, xx इकट्ठा, ये माइनस 30x उधर जाएगा तो प्लस 30x, ठीक है, तो 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 10, ठीक है, 30x माइनस, यदि माइनस 30x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30x, ठीक है, तो 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो 30x में से 20x गया तो कितने बचे, ओनली 10x बचे, तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 10, ठीक है, 30 में से 20 गया तो 10, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, ठीक है, 10 वन जा 10 वन जा, x क्या है आपका 1, ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका 19th नंबर। बच्चों अभी देखो यहाँ पे 20 नंबर, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर देखो अपॉन में x माइनस 3 है, x प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 है, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, मतलब एलसीएम निकालोगे तो x माइनस 3 x माइनस 2 का एलसीएम x माइनस 3 x माइनस 2 ही आएगा, ठीक है, मतलब आप इसका एलसीएम क्या हुआ, x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि अपॉन में दोनों है तो दोनों एलसीएम दोनों ही होंगे, ठीक है। अब थ्रू आउट x माइनस 3 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक एक को, तो देयर फोर x माइनस 3 x माइनस 2 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2
इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू. मैंने क्या किया, सब एक एक टर्म को x माइनस थ्री एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू. ठीक है, जब कट करें, कट शॉर्ट करेंगे, x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कैंसिल. ठीक है, x माइनस टू कैंसिल. ठीक है, और ये है. ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस x माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू. ठीक है, तो देयरफॉर x को इस पूरी ब्रैकेट से करो, x को पूरी ब्रैकेट से, माइनस टू को पूरी ब्रैकेट से करो. ठीक है, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं है, तो x इस पूरे से, माइनस टू इस पूरे से. ठीक है, फिर प्लस x इस पूरे से, माइनस थ्री पूरे से. मतलब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है. ठीक है, दो ये पूरे के साथ, माइनस थ्री पूरे के साथ इज इक्वल टू टू. ठीक है, अभी इन दोनों को करो, कैसे करोगे, x x माइनस टू माइनस थ्री x माइनस टू. ठीक है, x इस पूरे के साथ, माइनस थ्री इस पूरे के साथ. ठीक है, अब सॉल्व करो, देयर फॉर एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री जा थ्री एक्स. ठीक है, माइनस टू एक्स जा माइनस टू एक्स, माइनस टू थ्री जा माइनस सिक्स. ठीक है, टू थ्री जा सिक्स, माइनस प्लस माइनस. ठीक है, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, एक्स टू जा टू एक्स. ठीक है, माइनस थ्री एक्स जा माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री टू जा माइनस प्लस माइनस, थ्री टू जा सिक्स. ठीक है, इज इक्वल टू टू एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, एक्स टू जा टू एक्स. ठीक है, माइनस थ्री एक्स जा माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री माइनस टू जा माइनस माइनस, प्लस थ्री टू जा सिक्स. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो ये टू है, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले सॉल्व करो जितना होता है. देखो यहाँ पे वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर हुआ. ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वन हुआ. यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वन हुआ. तो वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हुआ. ठीक है, अच्छा यहाँ देखो प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसिल. ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल. ठीक है, सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है तो मैं कर रही हूँ. ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो माइनस सिक्स माइनस सिक्स कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, साइन बढ़ेगी माइनस ट्वेल्व. ठीक है, माइनस ट्वेल्व. ठीक है, इज इक्वल टू टू पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे. अच्छा पहले अंदर सॉल्व कर लो. ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, पहले सॉल्व कर लो. टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर. अच्छा अब यहां देखो माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव एक्स, तो माइनस फाइव एक्स वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ठीक है, देयर फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू टू. मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ब्रैकेट के बाहर है ना इसीलिए. ठीक है, टू एक्स स्क्वायर, टू फाइव जा टेन एक्स, टू सिक्स जा. ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, फिर से सारे एक्स एक्स इकट्ठे कर लो, नंबर नंबर इकट्ठे करो. ठीक है,
देखो ये एक्स स्क्वायर है वो वहां उधर ले जाती हूँ, नंबर है उधर ले जाती हूँ, इस एक्स को इधर ही रखती हूँ, ठीक है। तो देयरफोर 2x² माइनस 12 तो है ही पहले से, ठीक है। 2x² इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x², ठीक है। और ये जो प्लस 12 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10x, ठीक है, माइनस 10x, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x² माइनस 12 था, 2x² माइनस 12 था, तो 2x² इधर आया तो माइनस 2x² और प्लस 12 इधर आया तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10x, ठीक है। तो देखो 2x² और माइनस 2x² कैंसिल, 2x² और माइनस 2x² कैंसिल, ठीक है। 2x² माइनस 2x² और माइनस 2x² कैंसिल हुआ, ठीक है। और माइनस 12 माइनस 12 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 12 12 प्लस 12 24, तो माइनस 24, ठीक है। तो देयरफोर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 10x, ठीक है। x को अकेला बनाओ तो माइनस 24 अपॉन माइनस 10 आया, ठीक है। तो यहीं कर लेती हूँ, ठीक है। देयरफोर माइनस 24 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू x, ठीक है। x को अकेला बनाया, माइनस 10 नीचे ले गए, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो देयरफोर 24 अपॉन 10 इज इक्वल टू x, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। तो देयरफोर 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो देयरफोर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, खाली सीधा करके लिखा, ठीक है, और कुछ नहीं। 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल 12 अपॉन 5। सम्स थोड़े से हल्के से कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं, पर मैं स्टेप वाइज एक एक स्टेप कर रही हूँ। बाय चांस ऐसे लग रहा है एक बारी में नहीं समझ आ रहा, आप 2-3 बारी रिवाइंड करके देखो, ठीक है। हम जितनी मेहनत से ये चीजें कर रहे हैं, आप उतनी मेहनत से देखोगे तो हमारा जो करना है, जो हार्डवर्क है, वो पूरा पड़ेगा। अगर आप करोगे तो, ठीक है, आप करोगे ही नहीं तो वेस्ट है टोटल हमारे हार्डवर्क का और आपके टाइम का, ठीक है। हमारा भी टाइम है, आपका भी टाइम है, ठीक है, तो ये वेस्ट होगा। आप प्लीज ध्यान दें, नहीं समझ आ रहा फिर से 2-3 बार रिवाइंड करके देखें, ये सारी चीजें आगे जाके बहुत काम आने वाली है आपको। बच्चों अभी 22 नंबर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको सॉल्व करना है तो देयरफोर एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कैसे करोगे, एक्स एक्स प्लस 1 2 जा प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। अच्छा इससे पहले इसको ऊपर ले जाओ, सॉरी देखो इससे पहले ये अपॉन में इसको ऊपर ले जाओ, इसके बाद 6 के पास ले जाओ, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं होना, 1 हुआ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। देयर अच्छा 6 अपॉन 1 है, ठीक है, अपॉन 1, तो ये 1 इसके पास जाएगा तो 1 तो कुछ मतलब ही नहीं है, और 5x प्लस 1 6 के पास जाएगा, ठीक है। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 5x प्लस 1, ठीक है। तो देयर फोर अब क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सॉल्व करो एक्स का एक्स, मैंने ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए बनाई, माइनस की साइन बाहर है, अंदर सब चेंज होगा आगे जाके, पर पहले मैं शांति से पहले सॉल्व कर लेती हूँ। एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स तो पूरी ब्रैकेट एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, प्लस 1 पूरी ब्रैकेट एक्स प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू 6 5 जा 30x 6 1 जा 6, ठीक है। तो देयरफोर x स्क्वायर माइनस देखो x x जा x स्क्वायर x 2 जा 2x प्लस 1x जा 1x प्लस 1 2 जा 2, ठीक है।
ठीक है, हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्विंग कर रहे हैं। कैसे ब्रैकेट सॉल्विंग कर रहे हैं, एक्स एक्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू जा टू एक्स, वन एक्स टू एक्स, वन टू जा टू, ठीक है। इस तरह से हम ब्रैकेट सॉल्विंग कर रहे हैं, इज इक्वल टू 30x प्लस 6, ठीक है। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर है माइनस, अभी मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, माइनस की साइन को मैं ऐसे समझ रही हूँ कि है ही नहीं, ठीक है, माइनस की साइन है ही नहीं, मैं ऐसा समझ रही हूँ, मैं अभी अंदर ही सॉल्विंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं माइनस की साइन बाद में देख लूंगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स कितना होगा, टू एक्स प्लस वन एक्स कितना होगा, थ्री एक्स, ठीक है, प्लस थ्री एक्स, ठीक है, प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू 30x प्लस 6, ठीक है। तो देयर फोर, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, देयर फोर, अब देखो अब ब्रैकेट खोलो, अब अंदर सॉल्विंग होगी, माइनस की साइन है, अब साइन बदलो, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 30x प्लस 6, ठीक है। तो अब कट शॉर्ट करो जो कटता है, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या रहा, तो देयर फोर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 30x प्लस 6, ठीक है। तो देयर फोर क्या करेंगे, आप 30x को उधर ले जाओ, तो माइनस 3x माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर ले आओ तो 2 प्लस 6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 30 कितना होगा, 33 साइन माइनस की, माइनस 33x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8, ठीक है। तो देयर फोर x इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 33, देयर फोर x इज इक्वल टू, देखो नीचे माइनस है तो सेंटर में ही लिख देना, ठीक है, सेंटर में लिख दो, x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 33, ठीक है। या तो सेंटर में लिखने का या ऊपर लिखने का, ठीक है, नीचे नहीं होता है मोस्टली माइनस, आप सेंटर में कर दिया करो या बीच में, ठीक है। बहुत ही देखो स्टेप वाइज चलने का, जैसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर इसको इधर ले गई, इसको इधर ले आई, फिर अंदर ये ब्रैकेट सॉल्विंग की, ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है, फिर ये माइनस के साइन ओपन की, ठीक है, ये सॉल्व किया, फिर साइन बदली, ठीक है, बहुत ही स्टेप वाइज जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखे अच्छे से बच्चों, देखो आपका 23 नंबर है, 2x plus 3 minus 5x minus 7 upon 6x plus 1 is equal to minus 8 upon 3, तो therefore 2x plus 3, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस की साइन है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस 5x plus 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 5x plus 7 upon 6x plus 11 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो देयर फोर प्लस माइनस माइनस 5x में से 2x के 3x साइन बढ़ेगी, ठीक है, माइनस की साइन लगेगी, प्लस 3 प्लस 7 कितना होगा, प्लस 10, ठीक है। पहले सिंपल मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर ली, माइनस माइनस प्लस किया, ठीक है, अपॉन 6x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो माइनस है वो ऊपर वाले के साथ ही माना जाता है, ठीक है, तो ये 3 यहाँ जाएगा क्रॉस में और ये इसके पास आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 3 ब्रैकेट में माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 8 ब्रैकेट में 6x प्लस 11, ठीक है। तो देयरफॉर 3 3 जा 9x माइनस 9x, 3 10 जा 30 इज इक्वल टू माइनस 8 6 जा माइनस 8 6 जा माइनस 48x माइनस 8 11 जा माइनस 88, ठीक है। तो देयर फोर फिर से x x इकट्ठे करो, ये x और ये x साथ में करो, माइनस 48x इधर ले आओ तो 48x, ठीक है, माइनस 40 इधर आए तो 48, माइनस 9x देखो ऐसे का ऐसा है तो माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 88 तो है ही इधर ही इधर,
ठीक है, प्लस 30 इधर ले आए तो माइनस 30, ठीक है। तो देयर फोर देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 48x में से 9x गए तो कितने बचे 41x, ठीक है। ओ सॉरी 48 में से 9x गए, 48 में से 9 गए तो क्या बचे 39, ठीक है 39 बचेंगे। तो 39x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 88 प्लस 30 कितने होंगे 8 प्लस 0 8 और 8 9 10 11, ठीक है। तो 118 साइन माइनस की, तो माइनस 118, तो देयर फोर x इज इक्वल टू माइनस 118 अपॉन 39, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही ध्यान से करने का, देखो यहाँ मैंने पहले ब्रैकेट माइनस, मतलब मैं ब्रैकेट ओपन की, साइन बदली, फिर जो सॉल्व हुआ वो किया, फिर मैंने क्रॉस किया, क्रॉस किया, मैंने ब्रैकेट ओपन की, सॉल्व किया, फिर एक्स एक्स इकट्ठे किए, नंबर नंबर इकट्ठे किए, अब तो ये रिपीटेटिव हो गया, अब तो मैं ये घड़ी घड़ी कर रही हूँ, ठीक है। बुद्धि में बैठ ही जाना चाहिए, मुझे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट लेने हैं, आपके टेक्स्ट में बहुत धुंधले वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मुझे स्टार्ट लेने हैं। पर जब तक आप ये सम्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ये सम्स ही है, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैं वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन समझा के बनाना सिखा दूंगी, बनाने के बाद जब आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपका ये इस पे होल्ड स्ट्रांग होना चाहिए, इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी ही चाहिए, ठीक है। नहीं आती है तो घड़ी घड़ी वीडियो रिवाइंड करके देखो, ठीक है। होमवर्क मैं आपको आरडी में से ही दे रही हूँ, एक्सरसाइज 9.3 में से, मैंने पूरी 9.3 की पूरी पेज की पिक्चर ही डाल दी है ग्रुप में, तो आपको काम आएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 में होमवर्क, एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 21, ठीक है। 1 2 3 4 5 सम्स है होमवर्क में, सारे के सारे ऐसे सेम टू सेम मैंने अभी अभी किए हैं, अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप पूरा का पूरा होमवर्क अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाओगे, श्योर देखा होगा तो कर पाओगे। सपोज नहीं कर पाते हो तो आप मुझे डाउट में ये दे देना सम, मैं ट्राई करवा लूंगी, पर ट्राई किए बिना आप मुझे ये सम नहीं दोगे, ठीक है। आपको ट्राई जरूर करना है। चलें, थैंक यू, होमवर्क अच्छे से देखें पहले।